मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की योजना में अंधेरा करने वाले तीन आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस को नगर निगम द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें मुरादाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर के सौंदर्यकरण में लगने वाली स्ट्रीट लाइट चोरी के संबंध में थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की है और चोरी करी गई लाइटें भी बरामद की हैं। तीन अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद जनपद स्मार्ट सिटी के लिस्ट में है। मुरादाबाद जनपद का सौंदर्यकरण का काम नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नगर निगम द्वारा कांट रोड पर स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थी, लेकिन चोरों ने इन लाइटों को वहां से चुरा लिया था, जिसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारी द्वारा सिविल लाइन पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से चोरी की गई लाइटें और नशा करने के लिए स्मैक बरामद भी किए हैं। सीओ सिविल लाइन ने घटना का खुलासा करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि लोग नशा करने के लिए यहां लाइट चुरा कर भेजते थे और उससे नशा करने के लिए नशीला पदार्थ खरीद लेते थे और उसका नशा करते थे, लेकिन पुलिस ने चोरी की गई सभी लाइटें बरामद कर ली और इन लोगों से कुछ अन्य चोरों से की भी जानकारी मिली है। जल्द से जल्द उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके गिरफ्तारी के बाद लाइट चोरी की घटना पर अंकुश भी लगेगा। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ठीक है, सर इधर से पूछिए, सर इधर किसे पूछिए, दोनों तरफ से। हाँ, इधर से। क्या नाम है? जी जरा से कहाँ का रहने वाला? सर एक मिनट, सर ठीक है भाई, ले जाओ। वही तुम्हारी मीडिया पे नगर निगम ने जिला मुरादाबाद के सौंदर्यकरण के लिए कांट रोड के आसपास बोलार्ड लाइटें लगाई थी और जिससे कि ये सुंदरता बढ़े मुरादाबाद की। यह जो कार्यक्रम था ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर किया गया था। इसमें पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आई थी कि यहाँ पे जो नई लाइटें लगाई गई है ये लगातार रूप से चोरी हो रही थी। इस संबंध में पहले भी एक मुकदमा पंजीकृत करके एक तीन लोगों को जेल भेजा गया था और उनके पास से लाइटें बरामद की गई थी। उसमें उसी दौरान जो उनसे सूचना मिली थी उसी के तहत कुछ मुलजिमों की तलाश थी, जो कि अभी तीन मुलजिम उस दौरान उसी के कंटिन्यूएशन में पकड़े गए हैं और इस पे इनके पास से 17 लाइटें बरामद हुई हैं, 17 बुलार्ड लाइटें बरामद हुई हैं। और इसके अलावा इनसे बातचीत में यह भी निकल के सामने आया कि ये सब लाइटें चोरी करके ये अपने नशा का शौक पूरा करते थे और इनके पास से स्मैक भी बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार करके थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने, जो कि लगातार घटनाएं हो रही थी उस पे आवश्यक रूप से अब रोक लगेगी। यह तीनों के तीनों जो इनके नाम हैं दिलशाद शेख, सरताज और पन्ना, ये तीनों के तीनों असालतपुरा के रहने वाले हैं। मूलतः ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके पास इनके ऊपर पूर्व में भी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, तो ये लगातार मतलब अपने नशे के शौक पूरा करने के लिए घटनाएं किए हैं और अभी भी इनको भेजने के बाद इस चोरी की इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगेगी। सर, पूर्व में जो एक घटना हुई थी क्या उसमें भी इन लोगों का हाथ था चोरी? पूर्व में जो तीन लोग पकड़े गए थे उन लोगों ने यह बताया था कि इस तरह की घटना करने वालों में कुछ और लोग भी शामिल हैं, तभी से इनकी निरंतर तलाश चल रही थी। इसी दौरान कुछ और घटनाएं हुई थी लाइट टूटने की, तो उसी के संबंध में ये पकड़े गए हैं। सर, ग्रुप में ये तीन सदस्य हैं या और किसी के सदस्य हैं? अभी इनसे पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, हालांकि उन्होंने लाइट के संबंध में नहीं है, बट इनके साथी हैं जो कुछ और इस प्रकार के अन्य छोटी मोटी चोरी करते हैं, उनको तलाश की जा रही है और उनको भी पकड़ के जल्दी भेजा जाएगा। सर, इसमें कितनी बरामद की गई है? इनके पास से जो अभियुक्त दिलशाद है उसके पास से 3 ग्राम स्मैक, सरताज के पास 2.9 ग्राम और पन्ना के पास से 3 ग्राम स्मैक बरामद हुई है।